आज हम ऑमलेट बना रहे हैं फ्रेश हर्ब्स के साथ और टमाटर के साथ। उसके लिए हमने हर्ब्स लिए हैं, थोड़ी सी हमने धनिया ली है, थोड़ा सा हमने ऑर्गेनो लिया है, थोड़ा सा थाइम और थोड़ा सा बेजल लिया हमने, और एक स्टेम जोन सी है हमने पार्सली के लिए, उनको हमने छोटा छोटा काट लिया। आधी चाय की चम्मच हमने सूख मिर्च ली है, आधी चाय की चम्मच हमने नमक लिए और दो टमाटर्स को हमने राउंड राउंड काट लिया है। पांच चेरी टमाटोज हैं, उनको हमने छोटा छोटा काट लिया है, और थोड़ी सी ये चीज़ है एक्स्ट्रा मिर्च और चेटर चीज़ और मोज़रेला चीज़, और पांच अंडे हमने लिए। पैन में मैंने दो बड़े चम्मच घी के लिए, इसमें आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये टमाटोज इस तरह रखते हैं, चूल्हा मैंने इसका ऑन किया हुआ है, टमाटोज के साथ इस तरह से तेल लगा देते हैं। और ये हल्की आंच पे है, इसी में से थोड़ा सा इसके ऊपर नमक स्प्रिंकल करते हैं हम। अब इस बाउल में हम अंडे क्रैक करते हैं, अब इसमें हम डालते हैं चिली पाउडर, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी ये हर्ब्स भी आपको जो अच्छी लगती हैं आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये चेरी टमाटोज, इनको अब हम मिक्स करते हैं। इसके ऊपर हम टमाटर के ऊपर कवर करते हैं, इसके ऊपर डालते हैं हम, ये आधा हमने डाला है, ये आधा हम बाद में डालेंगे। इसको अब हम एक दो मिनट के लिए कवर कर देते हैं। अब तीन मिनट के बाद इसकी लेट खोलते हैं, उतारते हैं इसकी ढक्कन, इसका उतारते हैं। इस पे अब हम चीज डाल देते हैं। अब इसके ऊपर जो बचा हुआ अंडा है वो डाल देते हैं, और इसका हम बिल्कुल हल्की आंच पे कवर कर देते हैं 5-6 मिनट के लिए। ये ऊपर से भी अभी हो गया थोड़ा सा, इसको अब हम फ्लिप करते हैं, इसके ऊपर हम एक प्लेट रखते हैं इस तरह से, प्लेट रखते हैं, फिर हमने इसको इस तरह से करना, फिर इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। इसको अब हमने हल्की आंच पे 3 मिनट के लिए इस साइड से भी हमने पकाना है। हमारा ऑमलेट तैयार हो गए, इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।